अच्छा जी, फिर ये सेकंड कॉन्टेजेंसी थ्योरी अबाउट लीडरशिप है, उसको कहते हैं पाथ गोल मॉडल। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द लीडर्स जॉब इज़ टू असिस्ट हिज और हर फॉलोअर्स इन अटेनिंग देयर गोल्स एंड टू प्रोवाइड डायरेक्शन और सपोर्ट टू इंश्योर देयर गोल्स आर कंपैटिबल विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक लीडर जो है उसकी जॉब ये है कि अपने फॉलोअर्स को या अपने टीम मेंबर्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने सबॉर्डिनेट्स को हेल्प करे टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है, एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड देम डायरेक्शन एंड सपोर्ट देम टू इंश्योर कि जो उनके गोल्स हैं वो मैच करें या कंपैटिबल हों ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। ठीक है, लीडर्स एज्यूम डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स एट डिफरेंट टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बिकॉज हम ये कॉन्टिजेंसी थ्योरीज पढ़ रहे हैं या सिचुएशनल थ्योरीज पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन के फैक्टर को जो है वो कंसिडर किया गया। कह रहे डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट तरह के लीडरशिप स्टाइल्स हो सकते हैं, और वो क्या क्या हैं? वो चार लीडरशिप स्टाइल्स हैं। एक है डायरेक्टिव लीडर, देन है सपोर्टिव लीडर, देन है पार्टिसिपेटिव, एंड देन अचीवमेंट ओरिएंटेड। डायरेक्टिव लीडर वो होता है जो बस आपको डायरेक्शन देता है कि आई एम द लीडर एंड आई एम गिविंग यू दिस डायरेक्शन, आपने इस डायरेक्शन के अंदर या इस इन गाइडलाइंस के ऊपर काम करना है और टास्क को अचीव करना है। ठीक है, फिर एक होता है सपोर्टिव लीडर, वो सिर्फ डायरेक्शन नहीं देता, वो डायरेक्शन तो देता है उसके साथ साथ वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई प्रॉब्लम है काम के हवाले से या इन सम केसेस कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है, ठीक है, तो उस एम्प्लॉय को या उस टीम मेंबर को वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मॉरल सपोर्ट हो सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता है जो उसको चाहिए काम को कंप्लीट करने के लिए। बेसिकली उसका जो एटीट्यूड है वो एक सपोर्टिव एटीट्यूड होता है। देन एक होता है पार्टिसिपेटिव लीडर। पार्टिसिपेटिव लीडर क्या करता है? वो सिर्फ आपको नहीं कहता कि आपने काम करना है, वो खुद भी आपके साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, आपके साथ मिलके टास्क को अचीव करता है। ठीक है, ये एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जो आजकल इट्स इट्स कॉमन, ठीक है, इन गुड ऑर्गेनाइजेशंस। एंड देन एक होता है अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर। ठीक है, ये इसका जो है वो जो स्टाइल है वो इस तरह का है कि इट ही फोकसेस दिस काइंड ऑफ लीडर फोकसेस ऑन टास्क ओरिएंटेशन। ही इज टास्क ओरिएंटेड, ही बिलीव्स इन अचीविंग द रिजल्ट्स। ठीक है, सो ही जस्ट गाइड्स यू एंड ही टेल्स यू दैट आई बिलीव इन अचीविंग रिजल्ट्स। ठीक है, सो ही इज मोर इन टू टास्क ओरिएंटेशन। ठीक है जी, देन कंटेम्प्रेरी व्यूज, जो लेटेस्ट व्यूज हैं, जो आजकल जो लीडरशिप के स्टाइल्स हैं उनमें से एक है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ये क्या होता है? लीडर्स हु गाइड और मोटिवेट देयर एम्प्लॉय फॉलोअर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एस्टैब्लिश्ड गोल्स बाय क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट। ये अपने ये लीडर्स जो हैं या ये लीडरशिप स्टाइल है, इसके अंदर जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स को या अपने टीम मेंबर्स को गाइड करता है बाय क्लैरिफाइंग देयर रोल्स एंड टास्क रिक्वायरमेंट। ठीक है, उनको क्लियरली क्लियर कट उनके रोल्स बता देता है कि ये आपके रोल्स हैं और आपने इन रोल्स को फुलफिल करते हुए आपने गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, बड़ा बेसिक सा ये एक लीडरशिप स्टाइल है। फिर एक आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये क्या होती है? लीडर्स हु इंस्पायर फॉलोअर्स टू ट्रांसेंड देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट फॉर द गुड ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन बाय क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट। यहाँ पे भी जो है लीडर जो है वो आपके रोल्स और टास्क को क्लैरिफाई कर रहा है और आपको इंस्पायर कर रहा है कि आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सबॉर्डिनेट करके या इवन आप पर्सनल इंटरेस्ट को भी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में उसको यूज़ करें, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सबॉर्डिनेट करें ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली लीडर की जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह की होती है कि ही इंस्पायर्स द फॉलोअर्स और सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, फिर एक आता है करिज्मेटिक लीडरशिप स्टाइल। ये करिज्मेटिक होती है कि सुना होगा आपने वर्ड के, इस बंदे का एक बड़ा करिज्मा है, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी जादुई है।
ठीक है, अब ये लीडरशिप क्या होती है, ये स्टाइल क्या होता है? एन एंथुजियास्टिक सेल्फ कॉन्फिडेंट लीडर हुज पर्सनैलिटी एंड एक्शंस इन्फ्लुएंस पीपल टू बिहेव इन सर्टेन वे। अच्छा, इसको समझने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ आर बिलवड लीडर कायद अजम मोहम्मद अली जिना। ठीक है, ही वॉज वर्ल्ड रिनाउंड बिकॉज ऑफ हिज करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, द वे ही यूज टू स्पीक, द वे ही हैड द पावर इन हिज वर्ड्स। ठीक है, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, एंड ही हैड अ वेरी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी। ठीक है, ये भी कहते हैं कि वो गोरों से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते थे। ठीक है, तो ऑल दीज फैक्टर्स बेसिकली मेकअप अ पर्सन पर्सनैलिटी करिज्मेटिक। ठीक है, तो दैट्स वाई उन्होंने इस तरह के लीडर को फिर लोग उसकी पर्सनैलिटी से इतना मुतासिर होते हैं दैट दे डोंट केयर कि वो बंदा किस तरह का फैसला कर रहा है, हमने फॉलो करना है, दे जस्ट फॉलो दैट पर्सन। इसीलिए उस टाइम पे लोग लाखों करोड़ों लोगों ने उनको फॉलो किया एंड सपोर्ट किया, एंड अल्टीमेटली वी ही गेव अस दिस कंट्री। ठीक है, और क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं एक करिज्मेटिक लीडर के? ही हैज़ अ विजन। ठीक है, विजनरी लीडर होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है उसकी, लॉन्ग टर्म देखता है। ठीक है, दूरंदेशी जिसको कहते हैं, दूरंदेशी होती है, एंड ही इज़ एबल टू आर्टिकुलेट द विजन। अपने विजन को सिर्फ ये नहीं कि विजन रख के बैठा हुआ है, बट उसको प्रैक्टिकली जो है उसको अचीव करने के लिए वो कोशिश भी करता है, इम्प्लीमेंट करता है, एंड ही इज़ विलिंग टू टेक रिस्क टू अचीव द विजन। ठीक है, एक इतनी उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है या पावर होती है कि वो रिस्क ले सकता है अपने विजन को अचीव करने के लिए। एंड ऑल्सो दीज काइंड ऑफ लीडर्स आर सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट एंड फॉलोअर्स नीड्स। ठीक है, आपने अपने फॉलोअर्स, एक करिज्मेटिक लीडर, अच्छा करिज्मेटिक लीडर होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो फॉलोअर्स हैं या टीम मेंबर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी ज़रूरियात को भी इम्पोर्टेंस दें और उनको मद्देनज़र रखें। ठीक है, एंड देन ही एग्जिबिट्स बिहेवियर्स दैट आर आउट ऑफ द ऑर्डनरी। उनका एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिहेवियर होता है, किस वजह से? बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक ऑरा, बिकॉज ऑफ द पर्सोना दे हैव, उसकी वजह से उनका जो बिहेवियर है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिहेवियर होता है। देन आती है जी विजनरी लीडरशिप। ये क्या होती है? अ लीडर हु क्रिएट्स एंड आर्टिकुलेट्स अ रियलिस्टिक, क्रेडिबल एंड अट्रैक्टिव विजन ऑफ द फ्यूचर दैट इम्प्रूव्स अपॉन द प्रेजेंट सिचुएशन। कि आपकी जो भी मौजूदा सूरत हाल है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो लीडर काम करता है, एक एक विजन देता है अपना, उस स्टाइल को कहते हैं विजनरी लीडरशिप। विजनरी लीडरशिप लीडर्स हैव द एबिलिटी टू एक्सप्लेन द विजन टू अदर्स। ठीक है, दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हैं विजन, एक्सप्रेस द विजन नॉट जस्ट वर्बली बट थ्रू बिहेवियर, एक्सटेंड और अप्लाई द विजन टू डिफरेंट लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आई थिंक इट्स नथिंग टेक्निकल इन हियर। अच्छा जी, फिर जो टीम लीडरशिप होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यही वन आप लोग जैसे ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो जी टीम लीडरशिप है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? हैविंग पेशेंस टू शेयर इन्फॉर्मेशन, कि आप के अंदर कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए कि आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई है, यू डोंट बिकम अ मीन कैसे ये मैंने ही अपने पास इन्फॉर्मेशन रखनी है, आई नीड टू पास इट टू माई टीम मेम्बर सो ऑल ऑफ अस कैन वर्क टूगेदर टू अचीव आर पर्टिकुलर गोल्स। देन बींग एबल टू ट्रस्ट अदर्स एंड टू गिव अप अथॉरिटी। ठीक है, आप लोगों को ट्रस्ट करने की एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आपके अंदर इतना जिसको कहें जर्फ होना चाहिए या इतनी सेंस होनी चाहिए कि आप लोगों की स्किल्स के ऊपर भी ट्रस्ट कर सकें, और अगर कोई ऐसा मौका आता है कि आपको लगता है कि आपसे बेहतर कोई आपकी टीम का मेंबर जो है वो लीडरशिप परफॉर्म कर सकता है, यू सो यू शुड गिव अप द अथॉरिटी इन अ पर्टिकुलर केस। एंड देन यू शुड अंडरस्टैंड वेन टू इंटरवेन। अपनी टीम के काम के अंदर आपने कब मदाखलत करनी है, ये नहीं है कि टीम ने, आप टीम को माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे कि आपने टीम ने छोटी सी गलती की और आप जो है फॉरन इंटरवेंशन स्टार्ट कर दी। लेट देम गो थ्रू विद इट, लेट देम करेक्ट देयर ओन मिस्टेक्स, एंड इफ यू थिंक इट्स बिकमिंग क्रॉनिक देन मे बी यू शुड इंटरवीन।
कि एक टीम लीडर की जॉब क्या होती है, कि टीम की जो एक्सटर्नल बाउंड्री है, उसका जो एम्बिट है, उसका जो एक लिमिट्स हैं, उसको डिफाइन करता है, उसको मैनेज करता है एक टीम लीडर, और टीम प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। टीम प्रोसेस क्या होता है? इट्स मेड अप ऑफ कोचिंग, फैसिलिटेटिंग, हैंडलिंग डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स, रिव्यूइंग टीम, सॉरी, एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन। इसको आगे हम देखते हैं क्या ये कहता है, कि एक टीम लीडर के रोल्स क्या होते हैं, कि वो एक अच्छा कोच होता है। कोच से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ गाइड करना है, जैसे क्रिकेट का कोच है, या हॉकी का, या फुटबॉल का कोच है, वो क्या करता है? वो सिर्फ आपको बताता नहीं है कि थ्योरी थ्योरी नहीं बताता, वो आपको, अगर क्रिकेट का कोच है तो वो आपको बैट पकड़ के भी दिखाता है कि ऐसे आपने बैटिंग करनी है, इस तरह की बॉल आए तो आपने इस तरीके से करना है, प्ले करना है, ठीक है? तो ये एक जो टीम का लीडर है, उसकी भी एक करेक्टरिस्टिक होते हैं कि वो एक अच्छा कोच होता है। देन ही इज़ अ गुड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर, ठीक है? रिमेंबर मैनेजर के रोल्स पढ़े थे हमने, ठीक है? उसमें एक रोल था उसका निगोशिएटर का, डिस्क्रिपेंसी हैंडलर का, तो ये भी वही चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर की, अगर टीम के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो वो उसको मैनेज कर सके। देन लाइजन विद एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बाहर के जो इदारे हैं या बाहर के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सके वो। देन ट्रबल शूटर, कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है? कोई ट्रबल आ गई है तो उसको ख़त्म कर सके, शूट कर सके, ठीक है? फिर ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं पावर के हवाले से। लेजिटिमेट पावर, आजकल 21वीं सदी के अंदर जो लीडरशिप के इश्यूज हैं, उसमें ये कुछ टर्म्स हैं विच उनका मीनिंग बस आपको पता होना चाहिए, कि लेजिटिमेट पावर क्या होती है। द पावर ऑफ अ लीडर, द पावर अ लीडर हैज एज अ रिजल्ट ऑफ हिज और हर पोजीशन, कि एक लीडर को जो भी उसके रोल की वजह से पावर दी गई है, वो उसकी लेजिटिमेट या जायज या उसकी एक कानूनी एक पावर है उसके पास, उसको कहते हैं लेजिटिमेट पावर। इधर वो फिर एक होती है कोर्सिव पावर, द पावर ऑफ अ लीडर, द पावर अ लीडर हैज़ टू पनिश और कंट्रोल, ठीक है? आपका कोई ऐसा लीडरशिप रोल है जहाँ पे आपको इस तरह की पावर दी गई है कि जहाँ पे आप गलत काम करने वाले को पनिश कर सकें, उसको कहते हैं कोर्सिव पावर। फिर आती है एक रिवार्ड पावर, द पावर टू गिव पॉजिटिव बेनिफिट्स और रिवॉर्ड। आप किसी ऐसे मैनेजेरियल रोल पे हैं जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल HR में हैं, आपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेज किया सारा साल, और उसके बाद साल के एंड पे आपने उनको रिवॉर्ड्स दिए, तो जो पावर आपके पास है उसको कहेंगे रिवॉर्ड पावर। फिर आती है एक्सपर्ट पावर, ये वो पावर होती है जो एक मैनेजर के पास होती है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपर्टीज ही हैज़ गेंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो भी उसके पास एक्सपर्टीज हैं, स्किल्स हैं या नॉलेज है, उसकी बुनियाद पर जो उसके पास पावर्स होती हैं, उसको कहते हैं एक्सपर्ट पावर। एंड देन होती है रेफरेंट पावर, द पावर ऑफ अ लीडर दैट अराइज बिकॉज ऑफ अ पर्सनस डिजायरेबल रिसोर्सेस और एडमायर्ड पर्सनल ट्रेट्स, ठीक है? अच्छा, ये रेफरेंट पावर इसको इसलिए कहते हैं कि जो भी जिस टीम में वो बंदा है, जो लीडर है, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो बंदा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज़, क्या फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कोई स्किल इम्पॉर्टेंट है, तो उस टीम का जो रेफरेंस पॉइंट है वो है कि इस ये पर्टिकुलर स्किल हो उस मैनेजर के पास, तो उस और वो स्किल उस मैनेजर के पास अगर है, तो उसकी बुनियाद पर जो उसके पास पावर है उसको कहते हैं रेफरेंट पावर, ठीक है जी? देन आता है एक दो टर्म्स हैं, क्रेडिबिलिटी, एक टर्म आपने बहुत सुनी होगी। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? द असेसमेंट ऑफ अ लीडर्स ऑनेस्टी, कॉम्पिटेंस एंड एबिलिटी टू इंस्पायर बाई हिज और हर फॉलोअर्स। क्रेडिबिलिटी एक जनरल टर्म है जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है? तो ये उसकी डेफिनेशन है, ये लीडर्स, आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्रेडिबिलिटी होती क्या। फिर एक और कॉन्सेप्ट है ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? इज द बिलीफ ऑफ फॉलोअर एंड अदर्स इन द इंटेग्रिटी, कैरेक्टर एंड एबिलिटी ऑफ अ लीडर, ठीक है? ये ट्रस्ट एक तो होता है आपस में दोस्तों का एक दूसरे पर ट्रस्ट, ठीक है? ये हम यहाँ पे इन टर्म्स को ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अगर एग्जाम में आपको आता है इस तरह कोई क्वेश्चन, तो आपने उसको ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखना, ठीक है? देन आता है डायमेंशंस ऑफ ट्रस्ट, इंटेग्रिटी। ट्रस्ट किन चीज़ों से मिलकर बनता है? इंटेग्रिटी, कॉम्पिटेंसी, कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी एंड ओपननेस, ठीक है? ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे मिलकर ट्रस्ट बनता है।
एंड इज रिलेटेड टू इंक्रीजेस इन जॉब परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ट्रस्ट जो है वो रिलेट करता है आपकी जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, रिमेंबर चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था हमने कि सिटीजनशिप बिहेवियर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ठीक है, कैसे आप एज ए लीडर कैसे आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं अपनी टीम का अपने ऊपर? बाय प्रैक्टिसिंग ओपननेस। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपके जो टीम के मेंबर्स हैं दे शुड नो कि हम मतलब कोई भी चीज़ उनसे छुपी ना हो, आपके टीम के मेंबर्स जो हैं उनको पता हो कि अगर एक ही प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो जो भी काम कर रहे हैं दे ऑल शुड नो, ऑल द टीम मेंबर्स शुड नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एंड देन बी फेयर। बी फेयर से मुराद है हर एक के साथ आप फेयर रहें टीम के अंदर। स्पीक योर फीलिंग, इफ़ यू फील के आपको कोई चीज़ शेयर करनी चाहिए अपनी टीम के साथ, यू आर फीलिंग समथिंग गुड और बैड एनीथिंग यू शुड शेयर इट विद योर टीम। टेल द ट्रूथ किसी भी हवाले से, जो भी हकायक हैं प्रोजेक्ट में या ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से यू शुड शेयर दम विद योर टीम। शो कंसिस्टेंसी, अपने बिहेवियर के अंदर कंसिस्टेंसी दिखाएं। आज आपने एक जो है सिचुएशन पे एक तरह रिएक्ट किया, नेक्स्ट टाइम उसी सिचुएशन पे किसी और तरह अगर आप रिएक्ट करेंगे तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो आप पे ट्रस्ट छोड़ देंगे। देन फुलफिल योर प्रोमिसेस, जो भी आपने प्रॉमिस किया अपने टीम मेंबर्स के साथ उनको कंप्लीट करें, उनको फुलफिल करें। मैनेज मेंटेन कॉन्फिडेंसेस, ठीक है, जो भी खुद एतमादी है आपके अंदर उसको मेंटेन करें। बहुत दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या टीम के अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर इंसान कॉन्फिडेंस लूज कर देता। डोंट डू दैट, दैट्स नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लीडर। एंड देन डेमोंस्ट्रेट कॉम्पिटेंस, ठीक है, आप अपनी जो भी आपके अंदर एबिलिटीज हैं कॉम्पिटेंसीज हैं यू शुड शो देम, ताकि आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड हो सके। फिर एक कॉन्सेप्ट है एम्पावरमेंट का, इसको भी हम काफ़ी अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं इसी कोर्स के अंदर। एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? एम्पावरमेंट बेसिकली इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द डिसीजन मेकिंग डिस्क्रिशन ऑफ वर्कर्स सच दैट टीम्स कैन मेक की ऑपरेटिंग डिसीजंस इन डेवलपिंग बजट्स, शेड्यूलिंग वर्कलोड्स, कंट्रोलिंग इन्वेंटरीज एंड सॉल्विंग क्वालिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, एम्पावरमेंट से मुराद है आपने जो पावर है अपने एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट कर दी, इसको कहते हैं एम्पावरमेंट। क्यों आप करते हैं पावर्स को डेलीगेट? ताकि इसी एग्जांपल हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि आप जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, पर्टिकुलर फंक्शनल यूनिट के अंदर बैठा हुआ है, ही नोज़ बेटर। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है ही नोज़ बेटर कि मैंने फाइनेंस से रिलेटेड क्या डिसीजन लेने हैं, बजाय इसके जो कंपनी का सीईओ है वो डिसीजन ले। दैट्स व्हाई कंपनी का सीईओ जो है वो अपनी पावर को डेलीगेट कर देता है फाइनेंस मैनेजर को कि फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस आप लें। ठीक है, इसी तरह सेम इज़ द केस विद मार्केटिंग डिसीजंस, प्रोडक्ट इन्वेंट्री डिसीजंस। ठीक है, क्यों एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना चाहिए? जो बात अभी हमने की, क्विकर रिस्पॉन्सेज प्रॉब्लम्स एंड फास्टर डिसीजंस। ठीक है, एंड देन एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज्ड स्पैन्स ऑफ कंट्रोल इन रिलीविंग मैनेजर्स टू वर्क ऑन अदर प्रॉब्लम्स। इसमें यही है कि आप जो बंदा डायरेक्टली उस प्रॉब्लम से डील कर रहा है ही इज़ इन द बेटर पोजिशन टू सॉल्व दैट पोजिशन, इंस्टेड कि वो फैक्ट्स इकट्ठे करें फिर अपने सीनियर को पास करें, वो अपने सीनियर को पास करें फिर सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास जाएं, वो डिसीजन लें और बहुत सारे फैक्टर्स वो इग्नोर कर देंगे क्योंकि दे आर नॉट दे डोंट एग्जैक्टली नो कि एग्जैक्टली उस सीन में क्या इशूज़ हैं। ठीक है, वो अपनी जो है वो इंस्टिंक्ट्स की बुनियाद पर डिसीजन लेके तो अगर वो पास ऑन कर देते हैं तो मे बी वो एक इफेक्टिव डिसीजन ना हो, नॉट मे बी डेफिनेटली इट विल नॉट बी अ वेरी इफेक्टिव डिसीजन। ठीक है, फिर आती है जी लीडरशिप इन अ क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट। अगर आप ग्लोबल जाते हैं या इवन आप अपने कंट्री में ही हैं, इंटरनेशनल लोग आपके पास काम करते हैं तो उनको आपने कैसे लीड करना है? तो उसके खैर डिफरेंट स्टाइल्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि यूनिवर्सल हैं पूरी दुनिया में। आप कहीं पर भी चले जाएँ ये चीज़ें, अगर आपके ये चीज़ें आपको अल्टीमेटली हर जगह पे चाहिए होंगी। क्या चीज़ें हैं? विजन। ठीक है, एक दूरंदेशी, एक आपके पास प्रॉपर विजन होना चाहिए। ठीक है,
ठीक है, एक अच्छे लीडर के की करेक्टरिस्टिक यह है कि वो विजनरी लीडर होता है, फोरसाइट, दूरंदेशी, अगेन वही चीज़ है। देन प्रोवाइडिंग इनकरेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर लीडर की जो खसूसियत है वो ये है कि वो एक इनकरेजमेंट का माहौल क्रिएट करता है। ट्रस्टवर्दीनेस, ठीक है, ट्रस्टवर्दी होता है, काबिल एतबार होता है। डायनामिज्म, ठीक है, डायनामिज्म होता है अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते रहना, ठीक है। डायनामिक से वर्ड निकला ये डायनामिज्म, ठीक है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर लेना, चेंज कर लेना। देन पॉजिटिवनेस, ठीक है, मस्बत रवैया जो है वो पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, कहीं पे भी आप लीडर हैं, तो यू शुड हैव दिस। एंड देन प्रोएक्टिवनेस, ठीक है, प्रोएक्टिवनेस होता है कि किसी काम को खुद से करना, वेट ना करना कि कोई कहेगा तो मैंने करना है, ठीक है, खुद से किसी काम को करना है, सो कहते हैं प्रोएक्टिवनेस। इसके अलावा डिफरेंट और भी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री या कल्चरल एनवायरनमेंट टू कल्चरल एनवायरनमेंट, बट ये जो हैं 7 फैक्टर्स, ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं यू विल नीड देम। ठीक है, दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर अबाउट लीडिंग। रिमेंबर हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट्स, 3 फंक्शंस जो हैं वो मैनेजमेंट के पढ़ ली हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लीडिंग। अब नेक्स्ट टाइम जो है हम वो लास्ट फंक्शन इसका पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग। दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी बुक के अंदर जिनको मैंने एक्सक्लूड किया, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल थी, स्टेज पे यू डोंट नीड टू नो देम ऑल। तो एक बेसिक से कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैंने आप लोगों को प्रेजेंट किए, सो आई होप यू विल गो थ्रू विद देम, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट राइट टू मी, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।